क्या घटना हुआ है अभी आपके साथ? अब मैं अभी ऑफिस से आ रही थी, आते हुए स्कूटी पे मैंने बैग आगे रखा हुआ था, तो एक आया है मेरे से लड़का, वो पूछा है कि ये रास्ता मऊ को जाता है। पहले तो बोला कि हाँ, मैंने बोल के और मैंने स्पीड बढ़ा ली, अपनी स्पीड बढ़ाई आगे, तो मैंने शीशे में ऐसे ही देखा तो वो लड़का रुक के, पुलिस थी, लेडी पुलिस थी, उनसे पूछा है, कुछ पूछा है, और फिर करके उसने स्पीड बढ़ाई है। फिर मैंने मतलब स्पीड अपनी रखी है और अचानक से आके मुझे लगा, वो जो थाना है ना, सराय लखनसी थाना जो ये वाला है, वहाँ पे उसने अचानक से इतना तेज आया और खींच लिया है मेरा बैग, स्कूटी से बैग खींच लिया। मैंने बहुत कोशिश की, स्पीड बढ़ाई बहुत तेज, 50-60 की स्पीड में मैंने चलाई है गाड़ी, पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गया, मैं गिर गई, इस वजह से वो निकल गया, देख नहीं पाई वो गाजीपुर तिराहे से किधर चला गया, मतलब पीछा करते हुए आप गिर भी गई। तो ये बताइए कि ये घटना एग्जैक्टली कहाँ पे हुई है? ठीक थाने के सामने हुई है? मैं उस टाइम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती क्योंकि उस टाइम दिमाग काम नहीं कर रहा था मेरा, मैं बस स्पीड में थी, मैं उसको बस देख रही थी और मैं चिल्ला भी रही थी, कोई सुन ही नहीं रहा था, मतलब किसी को समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली कि हो क्या रहा है, सबको लगा कि मैं रेस लगा रही। तो बाइक पे क्या अकेला था वो लड़का? या अकेला था। अच्छा, किसी पे शक? हेलमेट लगाया हुआ था क्या उसने? नहीं। चेहरा आप पहचानती हैं? हाँ, चेहरा पहचान सकते हैं। तो अभी फिलहाल आप क्या करें, कंप्लेन करने जा रही हैं? हाँ, कंप्लेन करेंगे। आपने कॉल किया पुलिस को? मैंने अभी तो नहीं किया, आप करवाएंगे, फैमिली के साथ है, करवाएंगे। सर, कल शहर में दिन दहाड़े छिनैती हुई है, क्या कुछ मामला है? तो कुसमावर से एक बच्ची वहाँ जॉब करती है, कृषि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान बीज अनुसंधान केंद्र पे, वहाँ से लौट रही थी सर लगभग 5 बजे के आसपास, कलेक्ट्रेट मोड़ के पास पेट्रोल पंप के पास एक युवक जो था वो मोटरसाइकिल से था, उसने उससे पूछा कि क्या ये मऊ सड़क जाती है, फिर उसको शंका हुआ तो आगे अपना बढ़ी, आगे उसने रखा था बैग, बैग में लैपटॉप था, उसके कुछ पैन कार्ड एटीएम कार्ड थे, उसको खींच के भाग गया, उसको कुछ दूर तक उसने पीछा भी किया लेकिन पकड़ा नहीं जा सका। स्कूटी से लड़की, स्कूटी से थी और वो बाइक से था, अकेले था वो भी, उस संबंध में सराय लखनसी में अभियोग पंजीकृत करके नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज अगर प्राप्त किए जा रहे हैं, पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है।